हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। ये जो एग्ज़ाम है जो 18/9/2018 को कंडक्ट करवाया गया था, सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इस पेपर का मीडियम होगा हिंदी। हिंदी में मैं सभी क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है। इस 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप ऑप्शन को देखते ही आंसर को टिक कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन को आपको मैं ऐसे मेथड से बताऊंगा जो आपको टाइम को काफ़ी सेव कर सकता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम को सेव करना मतलब कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बड़ा चैलेंज होता है, मतलब टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस वीडियो में मैं कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है यह प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक क्वेश्चन है ये, एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक बैग है जिसका मूल्य एक्स रुपीज़ है। ठीक है, देखिए इसको तो आप फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन बिना फार्मूला, वो मानते हैं वो फार्मूला याद नहीं है। ठीक है, लाभ हानि का जो फार्मूला होता है वो उससे बना सकते हैं। फार्मूला नहीं याद है तो सिंपल मेथड से बनाइए इसको। सपोज कर लेते हैं एक जूट का बैग है, उसका मूल्य एक्स रुपीज़ है, इसको 20% हानि पर मतलब 80% पे बेचा होगा, जितना कॉस्ट होगा उसको 80% पे बेचा। ठीक है, 20% हानि पर कितना रुपया बेचता है, 48 रुपया में। देखिए यहाँ पर सेम एक्स का वैल्यू मतलब जूट का बैग का जो कॉस्ट प्राइस होगा मतलब क्रय मूल्य होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप 4/5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 4 काट देंगे इसे कितना जाएगा 12, यानी उसका सीपी कितना जाएगा 12, 5 उधर चल देंगे कितना होगा 60 रुपीज, मतलब जूट का जो बैग का क्रय मूल्य हो गया 60 रुपीज हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, 20% लाभ अर्जित करने के लिए बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब 60 रुपया में खरीदा किसी वस्तु को, अगर इस पर हमें 20% प्रॉफिट कमाना है मतलब 60 रुपया में 20% प्रॉफिट मतलब 120% पे बेचना पड़ेगा इसको, तो सीधा हो जाएगा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 72। तो बिना किसी फार्मूला को अप्लाई किए हुए बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। यह साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया एक धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपीज कम है। मतलब मान लेते हैं अगर एक धनराशि है एक्स है जिस पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में परसेंटेज निकालना है 100 से, ऐसे होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू दिया हुआ है उसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 60/2 में से 50 रुपीज कम होता है। ठीक है, 50 रुपीज कम होता है, तो आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो देखिए इससे पहले देखिए ये 6 टाइम में कट जाएगा, यहाँ से भी 2 को 5 टाइम में कट लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 30x/100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 35x/100 -50 रुपीज। ठीक है, अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना कैसे, देखिए दोनों का बेस सेम है, इस 30x को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x/100 और 50 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम इसको 5x/100 इज इक्वल टू 50, इस 5 से 10 को काट लीजिए तो 10 × 100 एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, मतलब धनराशि कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
दो भिन्न का योग 7/4 है, उनमें से एक 5/3 है, दूसरी निकालना। देखिए करना है, इसमें दो का सम दिया हुआ है, उसमें से एक दिया हुआ, दूसरा को निकालना है। तो क्या कर लेंगे, दोनों में से एक को माइनस सपोज कर लेते हैं। अगर एक एक्स है, दूसरे कितना है 5/3, दोनों का योग करते हैं तो 7/4। देखिए सभी इसको आपको ओरली सॉल्व कीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/4 माइनस 5/3, बस एलसीएम लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा। इसको 7 को 3 से और 5 को 4 से, मतलब ऊपर में कितना हो जाएगा, 21 माइनस 20/12 कितना हो जाएगा, 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। बस इसको 5 से 6 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है। तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, पहले क्या होता है, इसको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन को समझ के उसको फिगर को आप समझ लिए तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन पर पढ़िए, 7 सेंटीमीटर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, देखिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊपर से 7 सेंटीमीटर ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देखिए क्या कहा गया है, एक तो टावर जो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, सॉरी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से 47 मीटर एक टावर है, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक का एक टावर हो गया जिसकी ऊंचाई कितना है 47 मीटर है। तो 7 मीटर ऊंचाई से इसका जो उन्नयन कोण है, ये जो एंगल बन रहा है, ये बता रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो पूछा गया है टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी, मतलब ये यहाँ से यहाँ हमें निकालना है। क्वेश्चन समझिए सबसे पहले, देखिए टोटल जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक 47 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो दिया गया टावर की ऊंचाई ये 7 है, ठीक है, तो ये अब निकाल सकते हैं, ये कितना जाएगा 40, ठीक है, 40 हो गया। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस निकालना है सिंपल है, मतलब अगर ये एंगल का जो सामने वाला जो साइड होता है क्या होता है वह लंब, ठीक है, सबसे लंबी भुजा ये कर्ण हो गई, और ये क्या हो जाएगा आधार, मतलब लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, मतलब आप लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, लंब कितना हो जाएगा 40, आधार कितना है हमें एक्स, मानना इस एक्स की वैल्यू निकालना है, अगर एक्स आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 40/x, एक्स की वैल्यू कितना हो कॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 40√3, तो आंसर जाएगा आपका 40√3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, एक द्विघात समीकरण से आया क्वेश्चन, के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, लेकिन x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ये रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े होंगे। तो क्या होता है, अगर कोई भी समीकरण किसी भी समीकरण से डिवाइड होता है, मतलब अगर x प्लस 2 से डिवीजन होता है, तो x प्लस 2 इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, जो x का वैल्यू आता है माइनस 2 अगर आया, तो ये जो माइनस 2 को हम इसमें इस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक्स का वैल्यू कितना जाएगा माइनस टू समीकरण हम रखेंगे, तो माइनस टू के स्थान पर माइनस एक्स के स्थान पर माइनस टू, मतलब माइनस टू का स्क्वायर कितना जाएगा 4 माइनस 5k इंटू एक्स, मतलब -10x प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं सॉरी ये 10k है, तो यहाँ पर हमें समीकरण आ जाएगा k के फॉर्म में द्विघात समीकरण, मतलब के स्क्वायर -10k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए, k को वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, k 10 का कैसे लिख सकते हैं, -9k और -1k, यही होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो फैक्टराइज करने आता होगा आपको,
फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए तो आपको के का जो वैल्यू आ जाएगा 9 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 9 दोनों, ठीक है। लेकिन ये आंसर क्या होगा, गलत। गलत क्यों होगा, तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है ये x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। मतलब ये हुआ x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस 3। मतलब x का वैल्यू माइनस 3 अगर हम इस समीकरण में पुट कर लेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए अभी x का वैल्यू माइनस 3 से पुट कर देंगे कितना जाएगा, 9, फिर माइनस 15 के प्लस के स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस 15 के प्लस 14। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो के का वैल्यू आ जाएगा 14 और 1, ठीक है। मतलब के का वैल्यू न तो 14 होना चाहिए और न ही 1 होना चाहिए, क्योंकि हमें दे दिया है एक्स का वैल्यू, सॉरी एक्स प्लस 3 से समीकरण विभाजित नहीं होती है। मतलब के का वैल्यू 14 और 1 नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर की वैल्यू क्या है, 9, 1, मतलब 1 नहीं हो सकता है। मतलब आंसर सिर्फ कितना हो जाएगा, सिर्फ 9 होगा, ठीक है। ये समीकरण मैंने सॉल्व किया था, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। मैंने इस डायरेक्ट भी इसको आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालने आता है तब हमें वीडियो में कमेंट करेंगे कि द्विघात समीकरण को बिना फैक्टराइज किए हुए मान कैसे निकालते हैं, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क से है। एक नल टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। सपोज कर लेते हैं एक टैंक ए है, किसी टैंक को 25 मिनट में भर देता है। दूसरी टैंक है बी जो 50 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखिएगा जो बी है इसको खाली कर देता है। तो वे दोनों नल एक साथ खोल दे जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं टोटल जो कितना वर्क होता है 50 यूनिट, दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। मतलब टैंक ए 25 मिनट में भर देता है, मतलब एक मिनट में 2 यूनिट भरता है, और बी क्या है एक मिनट में 1 यूनिट खाली करता है, ठीक है। तो पर मिनट मतलब 2 यूनिट तो ए भरा और 1 यूनिट बी खाली कर दिया, तो 2 माइनस 1 मतलब एक मिनट में 1 यूनिट पानी टंकी में गया। हमें लाना है 50 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट, मतलब 50/1 से मतलब 50 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम कितना भी टफ क्वेश्चन होगा तो आप 30 से 40 सेकंड बहुत हो गया, अगर नॉर्मल है तो 30 सेकंड मैक्सिमम। तो हार्ड मतलब हार्ड क्वेश्चन अगर आएगा भी इस मेथड सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी ईजी होने लगेगा, ठीक है। तो इस मेथड टाइम एंड वर्क में यूज कीजिए और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 108 प्लस रूट अंडर 247 इज इक्वल टू 25.98 है। तो रूट अंडर 147 प्लस 192 का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए रूट अंडर 108 है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 36 इंटू 3 प्लस 247 को क्या लिखेंगे, 81 इंटू 3, ठीक है, जो इक्वल टू 25.98 दिया जाएगा। 6 को रूट से निकाल, 36 को रूट से निकाल कितना होगा, 6 रूट 3 अंदर में रह जाएगा, 81 को निकालेंगे कितना होगा, 9√3। तो ये कितना जाएगा, 15√3। 15√3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25.98। बस इसको आप ओरली भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है 147, 147 को क्या लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, देखिए आप काट लीजिए इसको, 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, रूट अंडर 3 4 2 9 49 प्लस 192 3 से कर जाएगा, ये कितना होगा, 6 3 18
1464, मतलब देखिए इसको कह सकते हैं रूट अंडर 7 रूट अंडर 3 प्लस ये कितना होगा 8 रूट अंडर 3, मतलब हमें निकालना है 15, 8 6 15 रूट 3 के वैल्यू, 15 रूट 3 के वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 25.98। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डीए से है, कहा गया है एक लाइब्रेरी में 10 विभिन्न सेक्शन हैं, सेक्शन एक, सेक्शन दो, एक से लेकर के 10 तक का 10 सेक्शन दिया गया है, और लाइब्रेरियन 20 दिनों में किताबों को वर्गीकृत करता है, किस सेक्शन में सबसे कम किताबें। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये पूछा गया सबसे कम किस सेक्शन में किताबें हैं, तो यहाँ से देखिए ग्राफ को देखिए सबसे कम कहाँ है, इस सेक्शन में, सीधी सी बात है इस सेक्शन में, तो कौन सा सेक्शन होगा ये, देखिए 3 सेक्शन कुछ मतलब कितना होगा 7th सेक्शन में सबसे कम किताबें। सब क्वेश्चन में क्या क्या देखिए और आंसर मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता एक पेन को निश्चित संख्या मतलब 7 रुपीज में 8 खरीदती है, मतलब 7 रुपीज में 8 खरीदती है, ठीक है, और 5 रुपीज में 6 की दर से बेचती है। हमें पूछा गया है लाभ होगा या हानि, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम इस प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब अगर ये बोल दें हम 4 गो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कोई भी सामान है उसको 10 रुपया में ख़रीदता है, ठीक है, इसी 4 गो सामान को 12 रुपया में बेचता है, तो हम पता कर सकते हैं कि लाभ होगा कि इसमें हानि, क्योंकि क्या है सामान बराबर होगा, मतलब यहाँ से सामान को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बराबर कैसे होगा देखिए इसको हम दोनों का दोनों में कॉमन नंबर कौन होगा एलसीएम, मतलब कितना 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे इसको 4 से, इधर भी 3 से करना होगा इधर भी 4 से करना होगा, मतलब 21 रुपीज में 24 सामान खरीदता है ऐसे बोल सकते हैं, और 20 रुपीज में 24 सामान को बेचता है, क्या हो गया 21 रुपये में किसी सामान को ख़रीदता है और 20 रुपये में बेचता है, ऐसे इसको बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसको 1 रुपीज की हानि होगी, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो निकाल लीजिए 1 रुपये की हानि हुई, 21 रुपये का सामान था इंटू 100, मतलब 100/21% इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसका हुआ लॉस हुआ, ठीक है 21 रुपये में खरीदा 20 रुपये में बेच रहा है तो हानि होगा, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, मतलब कहा गया है पहले अगर टमाटर का मूल्य 100 रुपया था पर केजी, ठीक है, तो अब हो जाता है यही 125 रुपया पर केजी, लेकिन सुधा का ये है सोचना कि वह अपने जो खर्च होता है 100 रुपया उसमें से 15% वृद्धि करना चाहती है, ठीक है, तो 115 रुपया ही खर्च कर पाएगी, तो अब कहा गया जो अपना पहले 1 किलो खरीदती थी अब उसको कितना कम करना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं, देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अगर सीता 125 रुपया में 1 किलो मिलता है, ठीक है, मतलब 1 रुपये में कितना किलो मिलेगा, 1/125, ठीक है, 115 रुपया में कितना केजी मिलेगा, तो 115 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115/125 केजी, मतलब 1 किलो से भी कम, इसको माइनस डिवाइड कर लिए 5 से कितना हो जाएगा 23/25, मतलब पहले 1 किलो खरीदती थी 1 किलो पहले खरीदती थी अब कितना खरीदी है 23/25, मतलब पहले से कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे निकालेंगे हम इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, तो परसेंटेज देखिए थोड़ा सा इसको, पहले 1 किलो खरीदती थी अब कितना खरीदती है 23/25, मतलब पहले ऐसे मान लीजिए 25 कितना होगा 2/25, पहले से कम खरीदे कितना परसेंट हो गया पहले का, पहले था 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 को 4 से काट दिए कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, मतलब 8% कम इसको कंजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब कहा गया है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। देखिए एक कहा गया है एक समकोण है, ठीक है, इस समकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर समकोण है तो समकोण में क्या होगा, ये कर्ण जो होगा परिवृत्त का क्या होगा, यही इसका व्यास होगा, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं ए बी, तो यही इसका व्यास होगा। कर्ण कितना दिया हुआ है 10, व्यास भी कितना हो जाएगा इसका 10, मतलब डायमीटर 10 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, मतलब आर हो जाएगा कितना इसका 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब 25, मतलब 25 पाई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखिए इसको, अब इसमें क्या है, इतना क्वेश्चन दे दिया है आपको, देख के घबराना नहीं है, इतनी बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए और इसको आंसर मारिए, सिर्फ ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए और आंसर मारिए। देखिए क्या कहा गया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, इस नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालने होंगे। तो कैसे निकालिएगा आप, देखिए पहले क्या देखना है, डेसिमल, देख कितना जीरो के बाद है कितना डेसिमल पॉइंट है, देखिए 3 × 0 ये हो गया, 3 × 3 = 6 = 2 = 8, मतलब 8 डेसिमल है, मतलब ये होगा जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद ये 4 होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट में 3 डेसिमल के बाद, सेकंड में 4 है, थर्ड में देखिए 5 हो गया, और फोर्थ में भी देखिए 5 से भी ज़्यादा है। तो मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से बिना एक 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9 इसका बिना स्क्वायर रूट निकाले डायरेक्ट इसको आंसर आप निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पार चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या है 12,40,000 है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी न्यूनतम फ़ोन बनाती है, देखिए अब इसको देख के क्या कहेंगे आप, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखिए और इसको आंसर निकालिए। पूछा गया है कौन सी पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट में बोला गया है कौन सी न्यूनतम फ़ोन बनाती है। तो आप ऐसे नहीं करना है कि ABC कंपनी कितना निकालती है, एक्स वाई जेड सबको निकाल के नहीं चेक करना है, सिर्फ देखिए सबसे कम परसेंटेज कितना है, DEF का 5%, सिर्फ 5% बनाती है, बस सबसे कम हो गया ये, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप DEF को टिक मारिए बस। अगला क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कृति और मालती मिलकर, कृति नाम और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि मालती उसे 30 दिन में पूरा कर सकती है, मतलब मालती अकेले इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो कृति अकेले इस काम को कितने दिन लगाएगी। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, LCM, तो कितना होगा, 60 यूनिट मान लेते हैं काम है, ठीक है। 60 यूनिट में क्या कृति और मालती मिल के 12 दिन लगाते हैं, मतलब पर डे कितना यूनिट काम करती होगी, 5 यूनिट, मतलब 60 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, उसी तरह से मालती कितना करती है अकेले, 2 यूनिट। देखिए कृति और मालती मिलकर के पर डे 5 यूनिट काम करती है, ठीक है, मालती अकेले है 2 यूनिट, तो कृति अकेले कितने यूनिट पर डे काम करती है, 3 यूनिट, ठीक, 5 + 2 घटा लीजिए 3 यूनिट। तब कहा गया एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करती है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना कम टाइम लगेगा इसको, 60 / 3 मतलब 20 यूनिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 यूनिट, आगे ऑप्शन में दिया होगा इसका, 20 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कहा गया है, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, किसी टंकी को एक जो है भरने में और एक को खाली करने में के लिए लगाया जाता है, लेकिन एक 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 घंटे के क्रम में, मतलब पहले एक खुला जाता है फिर दूसरे को सेकेंड आवर में खुला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से, जो मतलब पानी टंकी में डाले उससे शुरुआत की जाती है, पूरी टंकी को भरने में 15 घंटे लगता है, मतलब खाली टंकी को पूरी भरने में इनलेट पाइप, मतलब इनलेट पाइप को मान लेते अगर ए है तो ये इसको 15 घंटे में भर देता है, जबकि आउटलेट पाइप है बी इसको ये 21 घंटे में खाली कर देता है। सपोज कर दे दोनों मिला करके 105 यूनिट मान लेते उसमें पानी भरना पड़ता है, ए को कितना हो जाएगा पर यूनिट 7, 15, 105 को 5 से डिवाइड कर लेंगे सबसे जाएगा,
और बी कितना जाएगा 5 मिनट पर आवर या फिर पर आवर ये खाली करता है। ठीक है, तो पहले 7 मिनट भरेगा, सेकेंड आवर में बी को खोल निकालने के लिए लगा दिया जाता है। मतलब पहले एक आवर फर्स्ट आवर में, ये सेकेंड आवर में, मतलब 2 आवर, मतलब 2 यूनिट जो है पर आवर 2 घंटे में ये पानी टंकी के अंदर गया। 2 घंटे में, देखिए इसको ऐसे समझिए, 2 आवर में 2 यूनिट पानी टंकी में गया। हमें कितना चाहिए यूनिट? 105 यूनिट। मतलब अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इधर ही 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ही 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, 100 यूनिट अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा देखिए तो यहाँ पर 100 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कौन सा होगा, इनलेट पाइप आएगा, मतलब 7 मिनट पर आवर, मतलब कितना हो जाएगा ये 107 हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ 105 ही यूनिट, मतलब हमें जो 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कितना करना किससे है तो 49 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी गलती ना कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं गलती, क्या 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बचा कितना 5 यूनिट पाइप अगला दे देगा आउटलेट वाले को, बस तो वहाँ से गलती हो सकता है। ये नहीं करना है आपको, 49 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा इधर 98 आवर, 98 आवर में कितना यूनिट पाइप हो जाएगा ऐसे पानी, देखिए 98 यूनिट, 98 यूनिट। फिर अगला कौन सा आएगा, ए वाले जो 7 यूनिट पर आवर फिल करते थे, 7 यूनिट अगले आवर में, मतलब 98 ये हो गया, एक नेक्स्ट आवर में इनलेट पाइप जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 99 आवर में पानी टंकी में फुल हो जाएगा। चलिए अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ करना ही नहीं। देखिए 8 + 2 का पावर 4 16 + 3 पूरे देखिए ब्रैकेट के नीचे 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 8 27/9, यानी कितना होगा 3। इसको आप देखिए और आंसर मारिए, इसको ओरली सॉल्व करना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से। कहा गया है अपनी सामान्य गति के 4/5 से चलने पर सोहम कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर मान ले हम उसका जो गति है 20 किलोमीटर, जो भी है यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 मीटर पर सेकंड, तो अभी कितना स्पीड जा रहा है इसका 4/5, मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो कहा गया है वह आम तौर पर कार्यालय कितना जाने में समय लगाता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से पहले दूरी निकाल लेते हैं, अगर दूरी एक्स है, ये जगह 16 - x/20 इज इक्वल टाइम का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 6, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 80, यानी 5x - 4x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, 480 क्या होगा इसका डिस्टेंस हो गया। पूछा गया है नॉर्मली उसको कितना टाइम ऑफिस जाने में लगता है, तो हमें पता है उसका जो स्पीड नॉर्मली हम मान लिए हैं 20 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 480 डिस्टेंस है, तो 20 के स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, मतलब 24। ठीक है, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कहा गया है बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ ज़मीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी जिससे उन्होंने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ हुआ, मतलब जो लाभ है 90,000 के लगभग है, तो लगभग हर मौसम निवेश करने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए। मतलब अगर हमें 90% जो जितना निवेश करता है उसको प्रॉफिट हुआ, तो 90% इज इक्वल टू हमें दे दिया है 90,000। ठीक है, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,000, 1% इज इक्वल टू 1,000 हमें निकालना है, यही 100% ही होगा उसका निवेश, सॉरी 100% निवेश हुआ, कितना 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपीज इसको रिक्वायरमेंट। ठीक है, 1,00,000 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में सिर्फ वर्गमूल निकालना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए 882 है
22 है, देखिए 882 है, लेकिन लास्ट में देखिए 2 ही है, नीचे भी है ऊपर भी 2 है, तो मतलब 2 जो है किसी भी नंबर का वर्ग नहीं होता है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 7 और 8, ठीक ऐसे नंबर है जो किसी भी नंबर के अंत में नहीं आएगा, ये आएगा तो परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकता है, मतलब 2 है तो वर्गमूल होगा नहीं, इसको काटना पड़ेगा, तो कितना होगा 481, 400 सॉरी 441 आएगा, 441, देखिए 441 किसका वर्गमूल होगा तो 21 का, तो नीचे वाले को बिना काटे हुए भी निकाल सकते हैं, 41 ऊपर होना चाहिए तो 21 आना चाहिए, तो 21 है इसी ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 758.5 मीटर एक लंबे पुल को 46 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेल की गति निकालना है, तो कैसे निकालेंगे रेल की गति, हमें निकालना होगा पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब 161.5 प्लस 758.5, टोटल डिस्टेंस हो गया, स्पीड निकालना है 46 हो गया इसका टाइम, तो ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में हमारा स्पीड आ जाएगा, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। देखिए पहले इसको ऐड कीजिए, 161 प्लस 758 को ऐड करना है, देखिए पॉइंट पॉइंट भी है तो इस मिल ये दोनों मिला के एक हो जाएगा, ठीक है इसको देखिए ओरली कैसे ऐड करते हैं, ये एक हो गया और इसमें से हम एक निकाल लेते हैं, इसको देते हैं 2 दे देंगे, कितना हो जाएगा देखिए 160 ये हो जाएगा प्लस 760 ये हो जाएगा, ठीक है ऐसे देखिए इससे क्या हो जाएगा आपको ऐड करने में आसानी हो जाएगी, तो इसको आप ओरली करना है, हम तो लिख के बताते हैं आपको समझने के लिए, ये 160 प्लस 760 कितना होगा 700, 800 कितना होगा 120, मतलब 800 प्लस 120 कितना होगा 920 बटे 46, तो कितना होगा 46 दूनी मतलब 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड आ गया तो हमें निकालना है इसमें किलोमीटर पर आवर में, हमें आंसर दिया है तो हमें भी आंसर भी निकालना होगा किलोमीटर पर आवर में, देखिए 20 मीटर है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है सेकंड को 36 ऊपर ले जाएंगे, मतलब वो भी डिवाइड होगा 3600 से डिवाइड करना होगा, तो या तो ऐसे निकाल लीजिए या फिर आपको याद होगा तो कैसे करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा ये 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा 5 × 20 18 × 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें निकालना है बहुलक मतलब मॉड, बहुलक का क्या मतलब होता है, कोई भी अगर डाटा दिया हुआ है उस डाटा में या फिर उस नंबर में जो सबसे अधिकतम टाइम्स आया हो, मतलब जो बार बार आता हो जिसकी संख्या सबसे अधिक हो वही क्या होगा हमारा बहुलक होगा, देखिए इस सब डाटा को देखिए और ये देखिए कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है, देखिए यहाँ पर 3 को देखिए 3, 1, 2, 3, 4 मतलब 3 जो है 4 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है उसके बाद देखिए कोई भी है जो 4 टाइम्स आया हुआ है, देखिए 2 भी है 2 टाइम्स आया हुआ है, 4 एक बार आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा बहुलक 3 ही हो जाएगा, तो इस सब क्वेश्चन को क्या है सीधा डायरेक्टली ऑप्शन से ही मारिए और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, यदि कहा गया मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता और बाकी जो बचता है बाकी क्या है गिलट है, हमें अब ये नहीं करना है कि हम ये निकालने लग गए कि गिलट इसमें कितना, ये कुछ भी निकाल दे, सीधा क्या है 1 kg है मिश्र धातु, उसमें से बता दिया मतलब 1000 ग्राम अगर मिश्र धातु है तो 32% इसका तांबा है, हमें बता दिया है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1000 ग्राम का 32% निकाल लीजिए तो कितना होगा 320 ग्राम, बस करीब करीब देखिए इसमें आप सॉल्व करिए होंगे, करीब 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें आपने काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप ऑप्शन से देख के बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा कुछ लेवल मॉडरेट लेवल का था, तो इसी लेवल की इस साल भी आने की उम्मीदें रहेगी, तो आप इस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को कर लें कि आने वाले जो एग्ज़ाम हों उसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है
जितने भी ग्रुप डी के जो 2018 में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने से आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस आ जाएंगे और आप पैटर्न को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चन को ज़रूर एक बार सॉल्व कर लें। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी मैथ्स हैं, मैथ्स को आपको कवर करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।